वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। वहीं आप विधायक आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव नहीं जीत सकते तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के एमसीडी चुनाव से, आपको बता दें कि बीजेपी को भागते हुए देखकर लगातार निशाना भी साध रही है। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की बौखलाहट देखकर लगता है कि मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लगता है, वो एमसीडी जैसे छोटे चुनाव में भी केजरीवाल जी का सामना नहीं करना चाहते। आज अनुराग ठाकुर जी ने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव नहीं जीत सकते। तो अनुराग ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के सामने चुनाव नहीं जीत सकते, तो फिर आप लोग एमसीडी के चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? क्यों आप संसद में एक बिल लेके आए जिसका सिर्फ एक मकसद था कि एमसीडी के चुनाव को टाला जा सके, एमसीडी के चुनाव को पोस्टपोन किया जा सके? अगर आपको इतना भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव नहीं जीत सकते मोदी जी के सामने, तो करवाइए चुनाव एमसीडी का। सबको पता चल जाएगा कि क्या होता है। हमें तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है, तभी तो देश के प्रधानमंत्री, भाजपा जो आप कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक छोटे से चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी का सामना नहीं करना चाहती। मोदी जी सबके सामने चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के सामने से डर के भाग जाते हैं। तो निष्कर्ष तो एक ही निकलता है कि पूरे देश में अगर कोई नेता है जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी को डर लगता है, तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।